हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ होम में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर सटे। पनीर हम सभी को बहुत पसंद है। पनीर के तरह तरह के पकवानों में से ये भी एक बहुत ही पसंदीदा और स्वादिष्ट रेसिपी है और इसे खाने से पौष्टिकता भी मिलती है। और इस पनीर सटे की रेसिपी को बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं पनीर सटे को कैसे बनाया जाता है। मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। पनीर सटे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर को 4 पीसेस में काट लिया है और अब एक बॉल ले लिया मैंने। इसमें एक अंडा को तोड़कर रख रही हूँ। अंडे को थोड़ा सा बीट कर लेती हूँ। अब इसमें 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सेजवन सॉस, टोमेटो केचप 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून नमक। अब इन सारे मसालों को चम्मच से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके एक बैटर तैयार कर लेंगे जो कि ज्यादा पतला भी नहीं होगा और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा, ऐसा एक बैटर बना लेंगे। हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसमें पनीर के पीसेस को डुबोकर 15 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। मिनट हो गया है। अब मैं पनीर के पीसेस को एक प्लेट में निकाल के रखती हूँ। इन स्क्यूअर्स को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। अब इन स्क्यूअर में पनीर के टुकड़ों को एक एक करके लगा लेते हैं। पनीर को डीप फ्राई करने के लिए गैस ऑन करके मैंने फ्राइंग पैन में तेल डाल दिया है। तेल मेरा गर्म हो गया। अब इसमें पनीर के पीसेस को एक एक करके डालती जाऊंगी और ऊपर से थोड़ा थोड़ा बैटर भी डालती जाऊंगी। फ्राई करते समय गैस के फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। धीरे धीरे ये फ्राई होता जाएगा। पनीर के नीचे का हिस्सा फ्राई होने के बाद मैं एक चिमटे की मदद से इसको पलट दूंगी। एक एक साइड फ्राई होने में 1 से 1.5 मिनट टाइम लगेगा। मेरे सारे पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। पनीर की कोटिंग के लिए एक बोल में मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के और 3 टेबलस्पून जितना पानी डाल के मिक्स कर लेती हूँ। अब
अब इसमें 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 1 टीस्पून चीनी डाल के मिक्स कर लेती हूँ। मैंने एक फ्राइंग पैन में 1 टीस्पून तेल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद इसमें रोस्टेड मूंगफली को क्रश किया हुआ मूंगफली को डाल देती हूँ। मूंगफली को हिलाती जाऊंगी। अब इसमें जो घोल बना के रखा था मैंने कॉर्नफ्लावर की वो डाल देती हूँ और मूंगफली और कॉर्नफ्लावर के घोल को हिलाती जाऊंगी। अब इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा और पानी डाल के इसको चलाती जाऊंगी। अब ये थोड़ा गाढ़ा होने के बाद 1/2 टीस्पून सोया सॉस डाल देती हूँ इसमें। अब इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार दे देती हूँ और थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ इसको। हमारे पनीर की कोटिंग तैयार हो गई है। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसमें पनीर को कोट कर लेती हूँ। मैंने सारे पनीर को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख दूंगी। मेरे पनीर सैटे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में और भी टेस्टी लगेगा। मैंने इस पनीर सैटे को शेजवान सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।